अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अयोब आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम इफी कड़लाल और आप देख रहे हैं पाक गलियात व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, आज एक मरतबा फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं नारान की ताज़ा तरीन अपडेट्स। यहाँ पे क्या रूम रेंट कितने चल रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं नहीं जा रहे, रस्तों की क्या सूरत हाल है, इवन के सबसे बेस्ट जो चीज़ है कि वो इधर सिग्नल कौन सी सिम के इंटरनेट सही चल रहा है, वो भी तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो तक के लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो नॉर्दर्न एरिया की आपको मिलें और आप आसानी यहां तक पहुंच सकें और तमाम पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने में आप हमारा साथ दें। तो जी दोस्तों, बात करें जी, आज ये सुबह का टाइम है और इस वीडियो में तमाम पूरे दिन की वीडियो और छोटे छोटे क्लिप्स और उसके बाद जो है कि इसके अंदर रात के भी कुछ क्लिप्स हैं, रात में कितने टूरिस्ट यहां पर थे और क्या सूरत हाल है, क्या मामला हैं, कितनी ठंड है और इधर के रस्तों के हवाले से झील की क्या सूरत हाल है, सफर मलूक, उसके बाद लुलू सर की क्या सूरत हाल है, बाबू सर की क्या सूरत हाल है, कब तक ओपन होगा, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए आ चुकी हैं और मेन खुशखबरी भी आपको इस वीडियो में सुनाने की कोशिश भी करूंगा। तो जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें जी हम रूम रेंट की। देखें जी, रूम रेंट तकरीबन यहाँ पर चल रहा है जी 3500, 2500, 3000, 4000 तकरीबन इससे अप ही चल रहा है, ठीक है जी। और अभी टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं क्योंकि आज वीकेंड था, वीकेंड पे माशाल्लाह काफ़ी टूरिस्ट गए थे और आज संडे था, संडे की वजह से गए थे तमाम टूरिस्ट जो हैं कि वापसी का रुख कर रहे थे और जैसे ही छुट्टियाँ होंगी, मुझे सुना है कि जून की 6 तारीख को छुट्टियाँ भी हो रही हैं, क्या ख्याल है आपने नारान आना इस दफ़ा? लग तो मुझे यहीं रहा है, अगर से आप वीडियो नारान की देख रहे हैं तो आप नारान इस दफ़ा ज़रूर आएंगे जी। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नारान में होगी और मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोशिश करूँगा नारान पहुँचने की। लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं, आपको बताते चलें कि रस्तों के हवाले से रस्ते तमाम ओपन है, रस्ते में छोटी बड़ी गाड़ियां, क्या बाइक लेकर भी जा सकते हैं आप, उसके बाद कैरी डब्बा, मेहरान, मतलब किसी तरह की भी गाड़ी आपके पास मौजूद है तो आप नारान के लिए निकल सकते हैं। नारान तमाम ओपन है। जो छोटे छोटे कट्ठे हैं जो आपने देखे हैं, छोटी छोटी आबशार, जो पिछली वीडियो में मैंने काफी सारे भाइयों ने कमेंट्स भी किया कि भाई यहां से जो गाड़ियां गुजर रही हैं क्या छोटी गाड़ियां, देखें जी छोटी गाड़ियां ही गुजर रही हैं वहां से, आप देख सकते हैं। बाइक पे था मैं, मेरी जो टीम थी वो बाइक पे थी और बाइक पे उधर से गुजरे, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। मौसम बिल्कुल सुहाना है, दिन को इतनी सर्दी नहीं होती, शाम सुबह शाम को सर्दी होती है, हल्के फुल्के आप गर्म कपड़े अपने साथ लेकर जा सकते हैं, देख सकते हैं लोगों ने कुछ लोगों ने स्वेटर्स, कुछ लोगों ने जैकेट्स और कुछ इवन के बिल्कुल ओपन भी हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है क्योंकि सर्दी इस वजह से है कि पहाड़ों ने अभी भी स्वेट चादरें ओढ़ी हुई हैं, बर्फ़ इधर सर्दियों पुरानी बर्फ़ भी पड़ी होती है और बर्फ़ रहती है सारा साल, ठीक है जी। बर्फ़ पहाड़ों पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने आपके पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, उन पर भी बर्फ़ है। और उसके बाद करते हैं जी इधर की इंटरनेट की सहूलत कैसी है। देखें जी, जोंग और टेलीनॉर ये दो हमारे पास सिम्स हैं, ठीक है जी, हमारे टीम मेम्बर्स के पास जिनमें टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे हैं वो भी बिल्कुल थोड़े कम, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वीडियोज़ हमारे तक पहुँचती हैं तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह जैज को भी ट्राई करेंगे, जैज का कैसा सूरत हाल है। और दूसरी बात करें जी इधर के होटलों के वाले से, क्या खाने पीने के जो चीज़ें हैं क्या वो इधर मिल सकती हैं। देखें जी, अभी मिलेनियम होटल के बिल्कुल साथ खड़े हैं जी और ये बहुत बड़ा एक होटल है और इसके भी रूम रेंट का तो नहीं पता मुझे क्योंकि इधर भी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मून रेस्टोरेंट है, उसके बाद अफाक है, उसके बाद काफ़ी सारे इस तरह के होटल्स हैं जहाँ पर आपको खाना पीने के लिए हर चीज़ मिल जाती है, चाहे आप फास्ट फूड लेना चाहते हैं फूड लैब आपके सामने देख सकते हैं, फास्ट फूड लेना चाहते हैं कोई भी फूड लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको हर तरह का फूड भी अवेलेबल होगा, ठीक है जी। और उसके बाद देखते हैं जी लोकल होटल कितने खुले हैं जी, लोकल होटल भी तमाम लोकल होटल खुले हुए हैं और दीगर जितने भी कारोबारी हजरात हैं, ताजर हजरात हैं, वो सब नारान तक पहुँच चुके हैं। नारान की बहारें मैं आपको बताऊँ कि नारान की बहारें भी स्टार्ट हो चुकी हैं और नारान की हर एक चीज़ मैं कहता हूँ कि तमाम ओपन हो चुकी है। लेकिन अभी आपको बताता चलूँ कि बाबू सर का क्या सूरत है, बट्टाकुंडी तक आप जा सकते हैं, बट्टाकुंडी के भी होटल तैयार हो चुके, क्या बट्टाकुंडी रहना चाहते हैं तो बट्टाकुंडी भी आप जा सकते हैं। उसके बाद जी बाबू सर की बात करें तो बाबू सर को तकरीबन लुलू सर और बाबू सर दोनों अभी बंद है फिलहाल और ये तकरीबन अभी इसको लग जाएंगे 8-10 दिन तक ये भी ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। इन 6 तारीख से पहले पहले उनकी कोशिश है कि टूरिज्म की कि हम बाबू सर को भी ओपन कर दें। और सफर मलूक की बात करें तो सफर मलूक तकरीबन आधा रास्ता क्लियर है, आधे रास्ते में आप घोड़े और उसके बाद थोड़ा सा पैदल आपको जाना पड़ेगा और वो भी ओपन है टूरिस्ट के लिए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद एक ही टिकट में आप जीप और घोड़ा ले सकते हैं और घोड़े के जरिए आप सफर मलूक झील तक जा सकते हैं।
उसके बाद बात करें राफ्टिंग की, देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं नरान से आगे, पीटीडीसी की थोड़ा सा आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, किश्तियाँ हैं यहाँ पे और तमाम इधर फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। इनकी एहतियाती तदाबीर भी बड़ी है ज़बरदस्त किस्म की है, वो आप देख सकते हैं। टूरिस्ट हज़रात आए हुए हैं और दिन का टाइम है और दिन के टाइम को ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ दरिया के बिल्कुल किनारे बैठे हुए भी हैं और पहाड़ों का क्या ये मनाजर हैं, जन्नत का नज़ारा दिखा रहे हैं जी। और पहाड़ों पर बर्फ़ है और देख सकते हैं कोस्टल टूरिज़म की, और इसी तरह के काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अभी इंशाल्लाह रात की भी वीडियो अभी इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे रात को क्या सूरत हाल थी। ये दिन के मनाजर हैं तकरीबन 1:30 बजे के, और 1:30 बजे आप देख सकते हैं हल्के फुल्के ग्लेशियर आपके सामने पिघलते हुए नीचे आए हैं जो, और अभी जो है कि हम बाज़ार में मौजूद हैं और बाज़ार की सूरत आप देख सकते हैं। बाज़ार में रात के मनाजर थोड़ा सा चहलकदमी करेंगे और उसमें भी आपको बताएंगे क्या सूरत हाल है टूरिस्ट की। देख सकते हैं हल्के फुल्के जो हैं कि लोकल लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे और टूरिस्ट रात थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो जाती है शाम को, आप देख सकते हैं चादरें भी ओढ़ी हुई हैं लोगों ने। अगर जी आप जाना चाह रहे हैं तो सो प्लीज़ अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह लेकर जाएँ, होटल तमाम ओपन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर जी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंचती रहेंगी। और अगर जी हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी कुछ भी लिख कर जाएं कमेंट्स में ताकि हमें पता चले कि हमारे भाई कहां कहां से हमें देख रहे हैं और कौन कौन इस दफ़ा नारान के टूर के लिए तैयार है। और बात करें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि टूरिस्ट आहिस्ता नारान की तरफ रवान दवा हैं। अगर जी आप भी आना चाह रहे हैं हमारे साथ जाना चाह रहे हैं तो हमारी भी गाड़ियाँ आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर जी आप हमारे हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं नॉर्दर्न एरिया की, तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप का, व्हाट्सएप का। इससे पहले भी 400-500 लोग मौजूद हैं, अभी आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक जाऊंगा, ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।